वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अपनों को नवाजते हुए पेश पेश, तब्दीली और मेरिट की धज्जियां उड़ाती गई। बॉर्डर बिजली पुलिस में रिसलदार की दो असामियां निकली, तब तालीमी काबिलियत की शर्त को भी नरम कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार की सतह, हाईकोर्ट मुल्तान बेंच का उम्मीदवार की तरक्की रोकने का हुक्म, कमिश्नर डेरा गाजी खान से 20 सितम्बर को जवाब तलब। वर्दी पहनी है तो क्या जान से मार डालेंगे, लैया भी पुलिस का भट्टा मजदूर पर मुबैना तशद्दुद, सगीर अब्बास के सर की हड्डी फ्रैक्चर, निश्चर अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में जेर इलाज, मुतासर शख्स के भाई का हसूल इंसाफ का मुतालबा, डीपीओ लैया उस्मान इजाज के हुक्म पर 6 पुलिस मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। जनूबी पंजाब के शहरियों पर डेंगू के हमले, निश्चर अस्पताल में दाखिल मजीद 2 मरीजों में डेंगू की तस्दीक, डेंगू के सूबे में दाखिल 30 साला अफजल आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल, बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में जेर इलाज मरीज, सूबे में डेंगू की तस्दीक हो गई, मुतासर मरीजों की तादाद 29 तक जा पहुंची। डेंगू को भगाने के लिए तमाम महकमे मुतहर, मुल्तान पुलिस लाइन और ओल्ड एज होम में डेंगू स्प्रे, उधर शहर के मुतादिद इलाके स्प्रे से महरूम, शहरियों की शिकायत बढ़ने लगी, गुलगस कॉलोनी, डबल फाटर, ग्रास मंडी, एमबीए चौक समेत दीगर इलाकों के वकील शिकवा खुना। हमारे इलाके में डेंगू स्प्रे अभी तक नहीं हुआ, जिससे काफी बीमारियों को फैलने का खदशा है, इससे पहले हुआ करता लेकिन आपके बार नहीं हुआ था। हमारे इलाके में जो है डेंगू का जो है स्प्रे वगैरह जो है इस साल बिल्कुल भी नहीं हुआ। डेंगू मच्छर का आजकल वबा फैली हुई है, तो मच्छर के लिए कोई भी स्प्रे वगैरह आजकल नहीं हो रहा। तमाम अस्पतालों में डेंगू काउंटर्स कायम किए जाएं, कमिश्नर बहावलपुर के महकमा सेहत को अहकाम, रोजाना की बुनियाद पर डेंगू डाटा फराहम करने की हिदायत, डेंगू के तदारुक के लिए मुल्तान में दफा 144 में नाफिज की जाए, डेप्यूटी कमिश्नर आमिर खतक ने सूबाई हुकूमत को सिफारिश कर दी। उधर डेप्यूटी कमिश्नर बिहारी इरफान अली ने इंतजादी डेंगू टीम की कारकर्दगी का जायजा भी लिया। आलमी बैंक पंजाब हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी पर बरहम, करोड़ों वालियत के मंसूबे मंसूख करने का इंतिया, मुतअद्दिद बार वार्निंग भी, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर न बना सकी, वर्ल्ड बैंक की वफाक से ऑडिट करवाने की इस्तदा। एलपीजी गैस सार्फीन के लिए बुरी खबर, एलपीजी गैस कीमत में 10 रुपए का इजाफा, कीमत 120 रुपए फी किलो हो गई, गुज़िश्ता 15 रोज में एलपीजी गैस में 20 रुपए इजाफा हुआ, सार्फीन ने सर पकड़ लिए। माँ की मोहब्बत न वालिद की शफकत, बच्चे दादा के दिल दादा, बहावलपुर अदालत में माँ के हवाले करने पर बच्चों का कोहराम, माँ के साथ जाने से ही इनकार। मुल्तान में बढ़ते नकासी आपके बसाए, गलियों बाजारों में जा बजा सेवेज का पानी, वास्ता की मुश्किलात में भी इजाफा, सालों पुरानी मशीनरी नाकारा हो गई, मुरम्मत के खराजात ज्यादा, वास्ता ने पंजाब हुकूमत से 2.5 अरब रुपए की मालियत की नई मशीनरी खरीदने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान में अस्पतालों का तिब्बी फुजला ठिकाने लगाने के लिए इकदाम नाकाफी, महकमे माहौलियात के नोटिस के बावजूद निश्चर अस्पताल की जानिब से इंतजाम न हो सके, निश्चर अस्पताल के बाहर मेडिकल वेस्ट खुले आम सड़क पर मौजूद, बदबू और गंदगी से बीमारियां फैलने का खदशा। जनरल बस स्टैंड मुल्तान की खस्ता हाली होगी खत्म, डेप्यूटी कमिश्नर आमिर खतक का बस स्टैंड को खूबसूरत बनाने के लिए मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान, बस अड्डों के तमाम पार्ट्स में टॉप टायर्स लगाने का फैसला, ट्रैक्स पर कारपेटेड रोड की तामीर, स्ट्रीट लाइट समेत सिक्योरिटी कैमरे भी लगाए जाएंगे। एक माह गुजर गया, महकमा सेहत ख्वाब गफलत से न जाग सकी, विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर में सिटी स्कैन और एमआरआई मशीनें खराब, मरीजों को इलाज में परेशानी का सामना, मरीजों की आला हुक्काम से नोटिस की अपील। मियावाली में मुर्गी के गोश्त की कीमत को पर लग गए, मुर्गी का गोश्त 309 रुपए फी किलो में दस्तिया, बढ़ती महंगाई ने शहरियों की जेब हल्की कर दी, शहरियों का इंतजामिया से कीमत को कंट्रोल करने का मुतालबा।
जिले इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ की नहली, पुरानी बस्ती तिलकोट का इलाका जौहर में तब्दील। गंदे पानी के बाद वकीलों का गुजरना मुश्किल, बदबू से सांस लेने में भी दुश्वारी, गंदे पानी पर मच्छरों की बहुता, अहले इलाका मुतद्दिद बीमारियों का शिकार। गर्मिज कॉलेज बियावाली की रोड खस्ता हाली का शिकार, टूटी सड़क के किनारे और गड्ढों के बाद हादसा मामूल बन गए, राहगीरों को दुश्वारी का सामना। लोधरा के देही इलाकों में सेहत की बुनियादी सहूलियात की कमी, इलाका वकील मिलों का सफर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जाने पर मजबूर, सफरी सहूलियात की भी अदम दस्तियाबी, मरीजों को दोहरी अजियत का सामना। लोधरा में गिरी बस्ती अंडरपास न होने से शहरों को मुश्किलात का सामना, मुतद्दिद बस्तियों के हजारों अफराद परेशानी से दोचार, 2007 से मंजूर शुदा मनसूबा ताहर शुरू ही न हो सका, शहरों का इंतजामिया से अंडरपास की तामीर का मुतालबा। जिले इंतजामिया मुल्तान का मुख्तलिफ इलाकों में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन, बिहारी चौक जर्नल ट्रैक ट्रक स्टैंड और 14 नंबर चुंगी पर कायम पुख्ता तजावजात इस्तेमाल, इंतजामिया को ताजरों की मजम्मत का सामना। शहर में ट्रैफिक का निजाम कैसे दुरुस्त होगा, लारी अड्डा बहावलपुर के सामने गैर कानूनी पार्किंग, इंतजामिया गैर कानूनी पार्किंग खत्म करवाने में नाकाम, बेहंगम ट्रैफिक के बाद हादसा मामूल। उधर लोधरा इंतजामिया तजावजात माफिया के सामने बेबस, सड़कों पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड की अजारादारी, गुजरने वालों को दुश्वारी का सामना। गवर्नमेंट कॉलेज बनाए क्वार्टी मुजफ्फरगढ़ की दो बसेस को बंद कर दिया गया, तालिबान का कहना है कि शटर सर्विस बंद होने से मुश्किलात का सामना है, कॉलेज आने जाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं, तालिबान की इंतजामिया से शटर सर्विस बहाल करने की अपील। भक्कर में दाहम जमात की तलबा से इज्तमाई ज्यादती का मामला, मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित, मुकदमे में नामजद दो मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, मुतासरा खानदान पर सुलह के लिए दबाव भी जारी, मुतासरीन का कहना है कि ताहाल मजदूरी मुलजिम गिरफ्तार हुआ ना ही वीडियो बरामद हुई, आला हुकाम इंसाफ फराहम करे। थाना कुतुबपुर मुल्तान के हदूद में दिन दहाड़े डकैती की वारदात, चार मुसल्ला अफराद अहले खाना को यरगमाल बनाकर नकली समेत कीमती सामान लूट कर फरार, पुलिस की कार्रवाई जारी। जामिया जिक्रिया मुल्तान में तालिबे की मुबैना खुदकुशी का मामला, वालिदैन की यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन रब नवाज बिल्ला, इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर, दोनों फरीकैन कल तलब। मुल्तान में कमसिन बच्ची को कत्ल करके नाश पानी में बहाने का मामला, हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने अदालती फैसले पर अमल दरामद से रोक दिया, परिकैन को नोटिस जारी करते हुए समान 17 अक्टूबर तक मुलतवी, अदालत ने वासिफ मजरा समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। गोटों की गैर कानूनी पेवनकारी करने वाले मुलजिम के खिलाफ केस की समाप्त, मुल्तान अदालत ने गिरफ्तार दो मुलजिमान की जमानतें खारिज कर दी। मुल्तान पुलिस में तकर्रर तबादले, सीपीओ जुबैर दुरेशक ने 10 एसएचओस के तकर्रर तबादलों का हुक्म दे दिया, सीपीओ की एसएचओस को जराइम पर काबू पाने और ईमानदारी से ड्यूटी करने की हिदायत। डीपीओ बहावलपुर अमीर तैमूर की हतेजी में कातिल होने वाली रज़िकिया नामी बच्ची के घर आमद, डीपीओ ने बच्ची के अहले खाना से ताज़ियत की, डीपीओ के मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। रहीम यार खान ने वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई, गैर कानूनी बटेर शिकार करने वाले दो शिकारी गिरफ्तार कर लिए गए, साबिक वजीर जंगलात सरदार मोहम्मद सिप्तैन खान जमानत पर रिहा, लाहौर हाईकोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, सदर एसोसिएशन डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक का कहना है हमारी एसोसिएशन पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, इल्जाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बुल मोहल्लियात के मुजरमाना नफ्सियात की अक्कासी है। डेंगी के हवाले से बहावलपुर सफाई कंपनी की जान से प्लान मुरतब, कचरा खानों को रोजाना की बुनियाद पर साफ करके स्प्रे किया जाए, सफाई कंपनी की जान से शहरों की आगाही के लिए मुहिम चलाई जाएगी। डेप्यूटी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक की जेर इदारत हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया के उर्स के इंतजामात का जायजा इजलास, डेप्यूटी कमिश्नर ने किला कोहना कासिम बाग में लाइट लगाने के अहकाम जारी किए, उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम की हिदायत।
कमिश्नर डेरा गाजी खान मुदस्सिर आज मलिक की दरख्वास्त पर इंडस अस्पताल के वास्ता क्लिनिक अस्पताल का दौरा। कमिश्नर से मुलाकातों में क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल मैनेजमेंट को बेहतर करने के इकदाम जेरे बहस। कमिश्नर की अस्पताल इंतजामिया को महदूद वसायल में सेहत की बेहतरीन सहूलियात मुहैया करने की हिदायत। डीजी खान के डायलिसिस कराने वाले मरीजों के लिए अच्छी खुशखबरी। टीचिंग अस्पताल में नया डायलिसिस यूनिट कायम कर दिया गया। कमिश्नर मुदस्सिर आज मलिक ने सताह किया। और डेप्यूटी कमिश्नर डेरा गाजी खान का मुलाजमीन के साथ उबैना नारवा सलूक। डीसी कॉम्प्लेक्स एफ का मुलाजमीन की कलम छोड़ हड़ताल जारी।